हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाइना एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ द क्वेश्चन पेपर ऑफ बीएड सेमेस्टर वन। सब्जेक्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये पेपर है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का। दोस्तों, वैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो क्वेश्चन पेपर है, एक मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज। वो क्वेश्चन पेपर है 2018 का और ये क्वेश्चन पेपर है 2017 का। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। फ्रेंड्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पेपर 70 मार्क्स का है, जिसे आपने 33 आवर्स में कंप्लीट करना है। इसमें 3 सेक्शंस है, स्टार्टिंग विद द सेक्शन ए। फ्रेंड्स, सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही 10 मार्क्स के लिए लिखने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is the concept and nature of teaching? State the maxims of teaching. Second, how are teacher and learner related from behaviorist point of view? Question 3, explain the need to create a flexible plan for teaching. What are the different ways of planning for teaching? The fourth question is, differentiate between the cognitivistic and constructivistic perspectives on role of teacher. Now section B. Fifth question, explain concept of teaching styles and discuss their impact on classroom environment. The sixth question is, how does knowledge of learning styles of students help the teacher? Seventh is, what do you understand by learning environment? Why is it important to plan learning spaces? The last question of this section is, describe how can concepts be taught in diverse classrooms. Friends, section B में भी आपको 4 questions दिए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही questions long answer type questions में attempt करने हैं। Now moving on to section C. Friends, section C में आपको 10 questions दिए हैं, हर एक question 3-3 marks का है। इसमें आपने सारा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? नेक्स्ट, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। थर्ड इज, डिफरेंशिएट बिटवीन थीमेटिक एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर टीचिंग। फोर्थ इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। फिफ्थ इज, व्हाट इज टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्लानिंग लेसन्स। Sixth, what is cognitivism? Seventh, what are different learning styles? Eighth, define teaching styles. Ninth, what is exposition? And the last question is, friends, what are advantages of teaching through discovery method? Friends, exam time में हमें ये question papers बहुत help करते हैं। जब भी आपका exam हो, उससे पहले आप ये question paper और जो मैंने पहले अपलोड किया था, ये दोनों क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दो क्वेश्चन पेपर्स में ही कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पेपर में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो या फिर पहले वाले में कोई डाउट हो, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, कीप वॉचिंग।